हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम गुरसिमरन है ते आज आपां गल करांगे कीबोर्ड्स बारे पी जदों तुसीं अपना कीबोर्ड बाय करना तां तुसीं किहड़ी चीज़ां कंसीडर कर सकते हो। जिहड़ा कीबोर्ड मैं यूज़ कर रहा उसका नाम है डेल केवी 2016। तो कीबोर्ड नूं मैंने यूज़ कर लिया आलमोस्ट दो तो तीन साल हो चुके हैं, तो मैं अपना रिव्यू देने लगा सी इहदे बारे कीबोर्ड बारे। डेफिनेटली यार ये कीबोर्ड बहुत ज़्यादा वधिया बनाया हुआ है। सब तो पहली चीज़ जो तुम कीबोर्ड बाय करना पहले अपना बजट डिसाइड करो। जो मैं कीबोर्ड बाय करना से मेरा बजट सेगा उदो 500 तो लेकर 1000 तक। 500 तो लेकर 1000 के जेड़ा कीबोर्ड मेरे सामने आया सेगा एक सेगा डेल केवी 16, एक सेगा लेनोवो का कीबोर्ड। पहला मैं लेनोवो का कीबोर्ड थोड़ी देर यूज़ किया, बट मैं देखा भी वो कीबोर्ड का जो एक्सपीरियंस है ना टाइपिंग का एक्सपीरियंस मेरा वही नहीं है। मेरी कीज़ जो मैं दबाना से मेरे स्टक हो रही थी। मेरे दोस्त ने मैंने ये चीज़ कही, कहना भी जो तेरा कीबोर्ड वह वही नहीं है, यू नीड टू चेंज इट। उस तो बाद मैं डिसाइड किया कि मैं अपना कीबोर्ड चेंज करूँगा, तो मैं आप बाय किया। तो ये डेल के कीबोर्ड की मैंने कोई भी चीज़ माड़ी लगी, जिन्ना कि यहाँ बजट हैगा उस सारी चीज़ तुम्हें नॉर्मल मिल जाएगी ने। सब तो पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं, वधिया चीज़ जी मैंने ये बार लगी वो हैगी जी कीज़ ने काफ़ी क्लची ने रिस्पोंसिव ने। आई मीन थोनों एन लैग नहीं महसूस होगी जो तुम टाइप करोगे, जिद जी थोड़ी टाइपिंग की स्पीड है उससे कोई इफेक्ट नहीं पेगा। टाइपिंग स्पीड मैं लगता होर इंप्रूव भी कर सकते, जी कीज़ की प्लेसमेंट है बहुत ज़्यादा वधिया की हुई है। दूसरी चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है मेरे अकॉर्डिंग, तुम्हें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की लोड़ नहीं हैगी। मैं एमाजोन तो जो मैं बाय किया मैं बाय किया 548 रुपीज़ का, नॉर्मली यदा प्राइस इन्ना ही हूँ जहाँ वो तो 650 हो सकता, इस तो बाद नहीं होंगे प्राइस। ये हैगी दूसरी चीज़। उस तो बाद तीसरी चीज़ ये बारे की है कि ये वॉल्यूम कंट्रोल्स है, वॉल्यूम कंट्रोल्स का फायदा की है कि तुम वॉल्यूम घटा बता सकते हो, कदम कद कद नहीं भी होंगे है। तो चौथी चीज़ है कि मैं इवें देखा एक कमर्शियल कीबोर्ड है, जो अं कंपनी में जॉब करने जाने उत्थे भी नॉर्मली यही कीबोर्ड यूज़ होंगे है। तो वह की होंगे भी जो आप घर काम कर रहे होंगे टाइपिंग कर रहे हैं कुछ भी काम कर रहे होंगे, जब कंपनी भी देखते हैं तो उत्थे आप मतलब आप ईजली काम कर पाने कीबोर्ड के उपर, तो स्विच करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मैं हूँ की किया कि मैं जो अपना ऑफिस का काम करता उत्थे मेरे को यही कीबोर्ड है, तो मैं घर लिए भी यही कीबोर्ड यूज़ कर ही रहा ओबियसली। लास्ट चीज़ यदि 3 साल तुम्हें वारंटी मिली डेल वालों, मेरे सामना 548 होर की कर सकती कंपनी डेल, तो उन्होंने कंपनी ने इन्ना अच्छा प्रोडक्ट बना के दिता है, तो बजट में भी सीगा तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। बाकी नाल दी नाल जे तुसीं चैक करो ये इतने यदियाँ लाइट्स ऑन हो जी, जो कैप्स की दबावे तो कैप्स की लाइट ऑन हो जाती है, जां फिर नम कीज़ की लाइट ऑन हो जाती, ऑन तो ऑफ हो जाती है, कैप्स की ऑन हो जाती है, बाकी लॉक करते हैं लॉक की की लाइट हैगी है, तो सारिया कीज़ की लाइट की इंडीकेशन ये थ्रू मिल जाती है, जिदे करके मैं ज़्यादा मेरा काफ़ी ज़्यादा वधिया एक्सपीरियंस रहा करके। तो मैं एक वीडियो बनाना चाहता भी मैं दसन चाहता सी, कई कदम कदम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि कीबोर्ड लीए बजट इन्ना की आ, गो विद दिस वन। यदा कीबोर्ड का नाल माउस भी आता है, तुम वो पेयर लो, थोनू ज़्यादा पैसे इनवैसट करने की लड़ नहीं हैगी। डोंट गो फॉर हायर प्राइस क्योंकि उन्होंने भी तुम्हें यह जी चीज़ मिली, बहुत तो लाइट्स ये की लाइट्स मिल जाऊंगी, बट वो कंसीडर करो जो तुम गेमिंग करते हो, बट जो तुम नॉर्मल डे टू डे यूज़ करते हो तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बजट कीबोर्ड अकॉर्डिंग टू मी। इस तो पर पैसा लाने का फायदा नहीं है। ठीक है जी, ये अज की वीडियो, जे थोड़ा बजट हैगा इन्ना तो अभी कीबोर्ड बाय करना या गो विद दिस वन डेल केवी 2016। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मैनशन कर दूंगा। ठीक है जी, ये अज की वीडियो जिद मैं गल की कीबोर्ड बारे, मिलते हैं नैक्सट वीडियो में, बाय।